हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 10 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़। और आपने अगर इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं करंट अफेयर्स के और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगा, आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के 15वें संस्करण के अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो इंडिया की रैंक आपको हर एक इंडेक्स में पता होनी चाहिए। ये इंडेक्स है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। इसके अनुसार भारत है 5वीं पोजीशन पे। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही है। 5वीं पोजीशन होने का मतलब भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो भारत में इस तरह के जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड डेंजर्स हैं, जैसे भूकंप हो गया, चक्रवात हो गए, बेमौसम बरसात हो गई, इस तरह के जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनमें भारत की रैंक 5वीं है। और अगर इस लिस्ट की बात करी जाए कि पहले नंबर पे कौन है तो इसमें जापान ने टॉप किया है इस इंडेक्स में, उसके बाद फिलीपींस है, फिर जर्मनी है और भारत इसमें 5वें नंबर पे है। ये जो इंडेक्स है इसको प्रिपेयर किया जाता है, जर्मनी का एक थिंक टैंक है जर्मन वॉच, जिसके जरिए इंडेक्स निकाला जाता है। अब इसमें अगर बात करें आपसे पिछले सवाल साल का पूछे इंडेक्स क्या था तो उसमें भी 5वीं पोजीशन थी। उससे पहले इसमें जो पोजीशन थी भारत की 14वीं थी, फिर 10वीं। मतलब इसका ऐसा नहीं है कि भारत की पोजीशन एक समान ही बनी रहती है। और कभी 14वीं थी इसका मतलब उससे पहले ये नहीं है कि भारत की पोजीशन उससे पीछे नहीं थी। ये जो परिस्थिति बदलती रहती है हर साल हम देखते हैं उसके अनुसार ही इंडेक्स तैयार होता है। पुर्तगाल, सेनेगल, उरुग्वे और वियतनाम के साथ भारत ने शांति प्रदर्शन में सुधार करने वाले उच्च स्तरीय आयोजन की सहमेजबानी कहाँ पे करी। तो ये एक हाई लेवल इवेंट था इम्प्रूव करने के लिए पीस कीपिंग, जिसको भारत ने पुर्तगाल, सेनेगल, उरुग्वे, वियतनाम के साथ मेजबानी करी है न्यूयॉर्क में। थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसका सही है। आपको पता होगा कि जो पीस कीपिंग आर्मी है या फिर कह सकते हैं पीस कीपिंग जो सेना है उसमें भारत जो सबसे बड़े देश हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ भागीदारी करने वाले देश हैं उनमें भारत एक है। और यहाँ पे जो यूएन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है और वहीं पे इसकी मेज़बानी करी गई। अगर बात करी जाए कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है तो वो हैं इसमें एंटोनियो गुटेरेस। चेंज होते रह सकते हैं, आप इसको चेक करते रहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने किस धार्मिक स्थल के विकास के लिए 156 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी है। तो ये जो 156 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है ये है ओमकारेश्वर के लिए। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ओमकारेश्वर टाउन को डेवलप किया जाएगा एक पिलग्रिम्स की तरह, ताकि वहाँ पे और ज़्यादा टूरिस्ट आ सकें और एक मतलब दुनिया भर में एक अपनी अलग पहचान बना सके ओमकारेश्वर। इसके लिए 156 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने ही महाकालेश्वर के लिए भी 300 करोड़ रुपये के लगभग ये राशि की मंजूरी दी थी। बात करिए ओमकारेश्वर की, तो ओमकारेश्वर जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के उनमें से एक है, इसलिए इसका स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह महाकालेश्वर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए, इम्पोर्टेंट है। और इसके चीफ मिनिस्टर अगर पूछे जाएँ तो एक कौन है इस समय, कमलनाथ। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार कौन सी नदी प्रमुख नदियों की श्रेणी में दुनिया की 10 सबसे स्वच्छ नदियों में से एक बन गई है। तो जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से गजेंद्र सिंह शेखावत बोल रहे थे जो 4th वाटर समिट हुई थी, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। तो उसमें उन्होंने बताया कि गंगा जो नदी है वो 10 स्वच्छ नदियों में से एक बन गई है। अपनी तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से, उसकी पहल के अनुसार ये बात कही गई है। और ये भी बताया गया उसमें कि भारत में जो पेयजल की समस्या है उसका काफ़ी संकट है, क्योंकि भारत में 4% ही साफ़ पीने वाला पानी उपलब्ध है, जबकि दुनिया की 18% आबादी भारत में रहती है। ओके, कौन से देश के हाई स्कूल के छात्र इसरो के श्रीहरिकोटा से स्वनिर्मित उपग्रह लॉन्च करने के लिए भारत आएंगे। मतलब ये जो छात्र हैं इन्होंने खुद अपना उपग्रह बनाया हुआ है, मतलब एक बहुत ही अच्छी बात है अगर देखा जाए तो। भारत में भी इस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है। और ये छात्र कोई ऐसे छात्र नहीं हैं जो बीटेक, एमटेक या पीएचडी कर रहे हों, ये हाई स्कूल के छात्र हैं। ओके, तो ये हाई स्कूल के छात्र हैं इसराइल के। ओके, और ये इनका बनाया गया 3रा सेटेलाइट है, जिस जो लॉन्च होगा PSLV C-48 से, जो कि 11 दिसंबर में जिसकी डेट रखी गई है, मतलब कल रखी गई है, जो छोड़ा जाएगा। और इससे भारत की एक सैटेलाइट जाएगी इम्पॉर्टेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। उसके साथ साथ 9 और कमर्शियल सैटेलाइट यहां पे लॉन्च करेगा इसरो।
तो ये इसराइल से आ रहे हैं। इस सेटेलाइट का नाम क्या है जो इन छात्रों ने बनाया, इसका नाम है डोशीफैट 3। दुनिया के सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो दुनिया के सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी हैं सना मरीन। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। सना मरीन कहाँ की हैं, तो ये फिनलैंड की हैं और मात्र 34 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बनी। इससे पहले वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थी, अब ये प्रधानमंत्री बन गई हैं। फिनलैंड की अगर राजधानी पूछी जाए तो ये है हेलसिंकी। पिछले लंबे समय से चले आ रहे पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को तोड़ने के लिए एक मानव पुस्तकालय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ, मतलब ये ह्यूमन लाइब्रेरी इवेंट था। अब ह्यूमन लाइब्रेरी इवेंट का उद्देश्य क्या था कि यहाँ पे पुस्तकों को रिप्लेस किया जाए ह्यूमंस से, ओके, तो ये इसका उद्देश्य था। और यहाँ पे उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पे जो इवेंट था मैसूरु में हुआ था। मैसूरु कहाँ पे है, कर्नाटक में। इस साल का मिस यूनिवर्स का ताज किसने जीता है, तो मिस यूनिवर्स इस बार बनी है जोजी बिनी टुंजी। सेकंड वाला ऑप्शन इसका भी सही है। जोजी बिनी टुंजी कहाँ की हैं, तो ये हैं साउथ अफ्रीका की। तो मिस साउथ अफ्रीका को ये खिताब मिला है मिस यूनिवर्स का इस बार। रनर अप अगर पूछा जाए तो मैडिसन एंडरसन थी इसकी फर्स्ट रनर अप, जो कि पोर्टो रिको देश की हैं, मिस पोर्टो रिको। और सोफिया अरागन इसकी थी सेकेंड रनर अप, ओके, जो कि मिस मैक्सिको हैं। बात करी जाए वर्तिका सिंह की, तो ये टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाई थी। यहाँ पे ये आपको बता ही दिया मैंने। और ये जो 2019 का मिस यूनिवर्स का जो ये प्रोग्राम था, ये कहाँ पे हुआ था, एटलांटा यूएसए में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 2019 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत की रैंक क्या है, तो भारत को 129वीं रैंक मिली है इस बार। पिछले साल की बात करी जाए तो भारत की 130वीं रैंक थी, इस बार एक अंक का सुधार हुआ है या एक प्लेस का सुधार हुआ है, 129वीं रैंक भारत की है। और यहाँ पे अगर बात करी जाए, ये तो आपको पता चल गया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI, ये UNDP निकालता है इसको। और इसमें ये बात बताई गई है कि लगभग 27.1 करोड़ लोगों को 2005-06 से लेकर के 2015-16 के बीच में गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है सरकार के कामों के जरिए, ओके। और अगर बात करें इसमें टॉप किसने किया है, तो नॉर्वे ने इस लिस्ट को टॉप किया है। सेकंड नंबर पे स्विट्जरलैंड है और थर्ड नंबर पे आयरलैंड है। कौन से देश में महिलाओं को अकेले रेस्टोरेंट में जाने की अनुमति नहीं थी, जिसे अब हटा लिया गया है, मतलब इस देश में ये था कि जो महिलाएँ हैं और जो पुरुष हैं वो अलग अलग बैठते थे। रेस्टोरेंट में जाएंगे भी तो महिलाओं के लिए फैमिली सेक्शन बनाया जाता था जिसमें महिलाएँ बैठती थी और पुरुष अपना अकेले बैठते थे। मतलब अगर पुरुष अकेले जाएं तो वो भी आराम से बैठ सकते थे, लेकिन महिलाएं अकेले किसी रेस्टोरेंट में जाकर के बैठ नहीं सकती थी जब तक उनके साथ कोई पुरुष गार्जियन ना हो। तो इसको अब हटा लिया गया है। ये सऊदी अरब जो पहला वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे ये सारी पाबंदियाँ थी जिसको अब हटाया गया है। काफ़ी अच्छा कदम है। और इस तरह के महिलाओं को लेकर के जितने कदम हैं वो सऊदी अरब में हटाए जा रहे हैं। और कोई भी सवाल आएगा तो आप ये याद रखिएगा, उसके ज़्यादातर चांसेस हैं कि सऊदी अरब में पाबंदियाँ हटी हैं। अब अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ वुमेन विल नो लॉन्गर हैव टू सेग्रीगेटेड फ्रॉम मैन इन रेस्टोरेंट इन सऊदी अरेबिया, ओके। किस देश को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा 2020 ओलंपिक सहित सभी प्रमुख खेल आयोजनों से 4 साल के लिए बैन कर दिया गया, तो 4 साल का ये प्रतिबंध लगा है कौन से देश के ऊपर, तो ये देश है रशिया। इसके ऊपर पहले भी प्रतिबंध लगा था 2018 में, इसकी एजेंसी ने माना था हम सही से सारे काम करेंगे, हटा लिया गया था, फिर से अब ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाडा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ओके। और ये जो निर्णय लिया गया, ये स्विट्जरलैंड में जो उनकी मीटिंग हुई थी लुसाने में, वहाँ पे ये निर्णय लिया गया। हालांकि रूस के पास 21 दिनों का टाइम होगा इसके लिए अपील करने के लिए कि ये बैन ना लगे, ओके। अगर करेगा तो 21 दिन के अंदर उसको करना होगा। अब ये बैन क्यों लगा, इस पे हम आएँ तो हमको पता चलता है कि जो रशिया की एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसको रुशाडा भी कहते हैं, उसको नॉन कॉम्प्लायंट डिक्लेयर कर दिया गया। किस लिए, मैनिपुलेटिंग लेबोरेटरी डाटा इन जनवरी 2019। मतलब कि उसके यहाँ जो लैब में डेटा था, मतलब उसके जो खिलाड़ियों के सैंपल्स लिए गए थे, उस डेटा को मैनिपुलेट किया रशिया की डोपिंग एजेंसी ने, एंटी डोपिंग एजेंसी ने, ताकि उनमें जो डोपिंग है वो पकड़ी ना जा सके। इसीलिए इसको नॉन कॉम्प्लायंट घोषित कर दिया गया और इसी वजह से उनके खिलाड़ियों पर भी बैन लगा दिया गया। पहले तो वो डेटा दे ही नहीं रहे थे, छुपा रहे थे, लेकिन जब डेटा दिया तो भी उसमें मैनिपुलेशन किया, जिसकी वजह से ये बैन लगा है, ओके। पहले भी इसीलिए ही बैन लगा था, फिर से अब इस बार 4 साल का बैन लग गया है।
आपसे वाडा के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाए कौन है, तो हैं सर क्रेग रेडीस के, इस समय के प्रेसिडेंट हैं। और इस बैन लगने का अब रशिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या दुर्प्रभाव पड़ेगा, तो बैन लग जाने के बाद अब रशिया कोई भी इवेंट इंटरनेशनल होगा, जैसे 2032 का ओलंपिक हो जाए या पैरा ओलंपिक्स गेम हो जाए, या फिर चार साल के अंदर जो भी खेल होने हैं उनको ना तो होस्ट कर सकता है, ना तो उनके लिए बिड कर सकता है कि उनके देश में हो सकें, ना तो इस तरह की उसको कोई परमिशन मिल सकती है चार सालों तक। अब उसके देश में कोई भी इंटरनेशनल गेम नहीं होगा, अपने खुद का वो स्वदेशी कोई भी गेम कर सकता है, इंटरनेशनल कोई भी गेम नहीं होंगे, यहाँ तक कि 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक्स के लिए भी वो अप्लाई नहीं कर सकता है। इस बैन के लगने के बाद ओलंपिक जो कि 2020 में टोक्यो में होना है, उसमें रशिया का ना तो झंडा होगा ना तो रशिया का राष्ट्रगान होगा, मतलब रशिया का नाम ही उसमें नहीं होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो आपको ये पता होनी चाहिए, जो थर्ड पॉइंट है जो कि बताता है बैन लगने का मतलब ये नहीं है कि रशिया के एथलीट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन में या फिर ओलंपिक में, वो कर सकते हैं, बस उनको ये प्रूव करना होगा कि ये जो डोपिंग स्कैंडल है रशिया का, इससे वो इफेक्टेड नहीं है, मतलब उनका इसमें कोई भी योगदान नहीं है, पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया है, मतलब वो क्लीन है। अगर वो ये प्रूव कर देते हैं तो वो इसमें कम्पीट कर सकते हैं, और कम्पीट करने का मतलब क्या होगा कि वो रशिया के झंडे के तले कम्पीट नहीं करेंगे, बल्कि जो न्यूट्रल फ्लैग होता है उसके तहत कम्पीट करेंगे। ओके, तो जिन देशों पे बैन होता है किसी भी तरह का, चाहे वो पॉलिटिकल बैन हो या किसी भी रूप में मान्यता उनको नहीं मिली हो, अगर वहाँ के जो खिलाड़ी होते हैं वो कॉम्पीट करना चाहते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में, तो वो करते हैं न्यूट्रल फ्लैग के अंतर्गत। जैसे अब रशिया पे बैन लग गया है, लेकिन वहाँ के एथलीट्स जो है कॉम्पीट कर सकते हैं, उनको इंडिपेंडेंट ओलंपियंस ऐसे ही कहा जाता है। ओके, और इसी तरह 168 जो रशियन एथलीट्स थे उन्होंने 2018 के विंटर ओलंपिक्स जो कि प्योंगयांग में हुए थे उसमें न्यूट्रल फ्लैग के नीचे ही परफॉर्म किया था, कॉम्पीट किया था। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले बंदर सुअर संकर से एक नई प्रजाति का जन्म किस देश की प्रयोगशाला में हुआ है, मतलब ये कराया कौन, चीन ने। इस तरह की घटनाएं चीन में ही होती हैं। ओके, क्लोनिंग हो गई, ये हाइब्रिड चीज़ों को निकालना हो गया, सब चीन में ही होता है। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि जब इस तरह के जो जानवर या फिर जो प्रजाति नहीं बनती हैं उससे जो ह्यूमंस हैं उनके लिए ऑर्गन्स बनाए जा सकें, मतलब जैसे हार्ट हो गया, लंग हो गया, लीवर हो गया, वो इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग किया गया था। हालांकि जो दो स्पीसीज जो दो नए पैदा हुए थे उन दोनों का एक हफ्ते के अंदर ही देहांत भी हो गया, दोनों की मृत्यु भी हो गई। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो दिवस है हर वर्ष मनाया जाता है 9 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय है याद रखिएगा। इसकी थीम क्या थी इस बार की, तो ये थी यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, ये 2019 की थीम थी। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ये इसकी 2019 की थीम है। कौन सा बल अब वर्दी में खादी का इस्तेमाल करेगा, तो ये एक नई घोषणा हुई है जो कि गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों के जरिए या फिर उन्होंने करी है, कि अब सभी जो अर्धसैनिक बल हैं, थर्ड वाला जो ऑप्शन है, ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो अपनी वर्दी के लिए, अपनी यूनिफॉर्म के लिए खादी का इस्तेमाल करेंगे। और खादी के साथ साथ सिर्फ वर्दी में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि खादी ग्राम उद्योग में बने हुए प्रोडक्ट्स, जैसे अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, जो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उनका भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा, ताकि जो खादी है उसकी सेल्स में भी इजाफा हो सके और जो उसके अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको मिल सके। भारत की छवि शानदार पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस देश में अतुल्य भारत रोड शो का आयोजन किया गया, तो इसका क्या सही ऑप्शन है आप मुझे बताइएगा आंसर, अगर आपको पता है कमेंट करके कि कौन से देश में ये अतुल्य भारत रोड शो का आयोजन किया गया। तो आज के करंट अफेयर्स बस इतने ही, अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ, जितने भी सोशल मीडिया के लिंक हैं मैंने दिए हुए हैं आप जाकर के फॉलो जरूर करिए। उसके साथ साथ आप studysmart.guru वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको इसका PDF मिल सकता है या फिर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपके लिए क्विजेज भी ऑर्गेनाइज़ करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि करंट अफेयर की क्विजेज होंगी, आप जाकर अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि आपको कितना आता है पिछले जो करंट अफेयर्स हैं उनमें से, तो जब होगा मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका। तो आप चाहते हैं इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।